यदि आप अपने मौजूदा प्रधानमंत्री के जीवन के सभी छोटे बड़े घटनाक्रमों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो फिर आप modi@20 किताब को पढ़कर यह जानकारियां हासिल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 वर्षों के राजनीतिक जीवन पर आधारित @20 किताब का अंग्रेजी संस्करण ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो चुका है, जबकि इसका हिंदी संस्करण भी जल्द ही लोगों के लिए उपलब्ध करवा दिया जाएगा। यह जानकारी modi@20 किताब के जिला संयोजक डॉक्टर ओमराज शर्मा ने आज मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने बताया कि देश के प्रतिष्ठित 21 लेखकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर एक किताब लिखी है, जिसे modi@20 नाम दिया गया है। किताब को 5 खंडों में बांटा गया है और इसमें कुल 41 अध्याय हैं। लेखकों में अधिकतर वे लोग शामिल हैं जो पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार से अलंकृत है। डॉक्टर ओमराज शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन को बारीकी से जानने के लिए यह किताब अहम भूमिका निभाएगी। तो अभी तो आप इसको रूपा पब्लिकेशन में जो है वो ये उपलब्ध है और कुछ ही दिनों में जो है यहाँ भी उपलब्ध हो जाएगी। इसका मात्र उद्देश्य यह है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने के लिए, हर व्यक्ति उस व्यक्तित्व को जाने कि मोदी जी ने अपने उस 20 साल के कार्यकाल में, इसमें ये जरूरी नहीं है कि जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग ही आता है वो इसको पढ़े। हिंदी में जब इसको रूपांतर इसका आ जाएगा तो हिंदी में भी उपलब्ध जब होगी तो आम लोग जानें कि मोदी जी क्या सोचते हैं, कैसे उनकी कर्मठता है, 24 घंटे में 18 घंटे कैसे काम करते हैं, वो आम लोगों के बारे में उनका विचार क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। वो अपने आप को राजनीति का कोई ऐसा फ़ायदा नहीं लेना चाहते। अगर इस पुस्तक से जैसे कई प्रश्न उठते हैं कि वो अपनी राजनीति के लिए इसको कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ अपनी समझ के मुताबिक कि मोदी जी के बारे में जानना और उनके कार्य पद्धति को जानना बहुत ही आवश्यक है हर व्यक्ति के लिए, ताकि वो इस बात को तय कर सके कि वो किन चीज़ों को, जैसे इसका हम एक उदाहरण लें कि छोटी बच्चियों के लिए जो है वो उन्होंने उपलब्ध करवाया सैनिटरी जो पैड है उसको उपलब्ध करवाया जन औषधि केंद्र पे। उसके बाद अगर कोविड का काल आप देखें तो उनका इतनी सुदृढ़ता से वो खड़े रहते हैं कि उन्होंने भारतवर्ष के सभी जितने भी एक एक जन को जो है वो ये विश्वास में लिया कि मोदी है तो सब कुछ संभव है। और पूरे विश्व में इस बात को मानना पड़ा कि समय पर लॉकडाउन और उस तरह से वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो आज 207.59 करोड़ के वैक्सीनेशन जो हैं वो भारतवर्ष में लग चुके हैं। जगह जगह पे वैक्सीनेशंस का उन्होंने लाइसेंस दे दिए हैं और लोगों को उपलब्ध हैं। बच्चों को 12 साल से लेकर 18 साल के वालों को भी आप वैक्सीनेशन जो हैं वो उपलब्ध हैं। तो इस तरह की सुरक्षा देना, सबसे बड़े जीवन के लिए सुरक्षा देना, कोविड काल में ऑक्सीजन उपलब्ध कराना, बिस्तर उपलब्ध कराना, ये बहुत बड़ी बातें हैं। ये किसी अगर आप देखेंगे तो एक छोटे व्यक्ति को इस बात के बारे में शायद ना ही पता लगे। पूरे विश्व को देखना, पूरे विश्व को वैक्सीनेशन देना, उसके साथ अपनी आइडेंटिटी बनाना और बताना कि भारत जो है वो विश्व गुरु बनने के काबिल है। और मैं ये समझता हूँ वो समय दूर नहीं है, जिस तरह से उन्होंने योग अंतर्राष्ट्रीय पे दिवस बना के पूरे विश्व में ले गए हैं, उसी तरह से भारत विश्व गुरु बनेगा, इसमें मुझे कोई दो आशुक्ति नहीं लगती, कोई दो राय नहीं लगती। लाइव टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर, चुनिए नई ब्रिजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क, आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।